इसका टेक्सचर आ गया है, क्योंकि थ्रेड्स जो है बिल्कुल ग्रास जैसे लग रहे हैं, और उसको और खींचा जा रहा है, यानी बिल्कुल उसको फाइन किया जा रहा है, जैसे ग्रास का जो बिल्कुल फाइन ग्रास होती है वैसा लगे। अब देखिए इसको, और ये जो मिल है, अब ये रोलर जो चल रहा है इससे और खींच रहा है, ये देखिए कितना ईजीली खींच रहा है बंदा। अब देखिए अब इसको जैसे अपन उस रोल में भर देते हैं वैसे इसको ये एक वो पूरा फिल कर रहे हैं। मेरा नाम है देवेश और आज हम देखते हैं, देखिए आर्टिफिशियल टर्फ कैसे बनता है। देखिए ये अभी फैक्ट्री में एक डिसाइड कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए, उनके इनको देखिए टेक्सचर कैसा चाहिए, जो ग्रास होता है उसका टेक्सचर कैसा चाहिए। तो जनरली जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास के सोसाइटीज़ के और ग्राउंड में जो वो होते हैं वो वैसे ही लगे रहते हैं। अभी देखिए लैब्स में चेक कर रहे हैं पूरी उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, तो वो सारा पहले चेक कर लेते हैं और रॉ मटेरियल उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अब देखिए इन्होंने डिसाइड किया है, अब ये क्या करना चाह रहे हैं इसमें, ये देखिए इन्होंने फिक्स हो गया अब कि ऐसा ग्रास का टेक्सचर है और ऐसा होना चाहिए। अब इन्होंने पूरा इनकी टीम को डिसाइड कर दिया कि यार ये इस कलर का टेक्सचर फाइनलाइज हुआ है और यही डिज़ाइन आगे फॉरवर्ड होगी, इसके अकॉर्डिंग कलर होगा, रॉ मटेरियल होगा। देखिए डिफरेंट टाइप्स के कलर्स आए हैं, यानी ग्रास के भी डिफरेंट क्लास के, जैसे किसी को ऑरेंज कलर चाहिए जैसे। अब देखिए उसे फैक्ट्री पे आते हैं, अब फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में उसकी प्रोसेस चालू होती है। अब जो एथोनोलाइट होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो डिफरेंट कलर्स के साथ मिक्स किया जाता है, जैसे ग्रीन कलर है जो टेक्सचर हमें चाहिए। तो देखिए अलग अलग इन्होंने टेक्सचर बना लिए उससे मिक्स करके कंपाउंड से। अब क्या इसको इस मशीन्स के थ्रू डाला जाता है एथोनोलाइट को। अब देखिए ये जा रहा है, अब ये जो श्रिंक कर रहा है इसको, अब ये थ्रेड्स में फॉर्म हो रहा है। अभी देखिए ग्रास का टेक्सचर आ गया, क्योंकि थ्रेड्स जो है बिल्कुल ग्रास जैसे लग रहे हैं, और उसको और खींचा जा रहा है, यानी बिल्कुल उसको फाइन किया जा रहा है, जैसे ग्रास का जो बिल्कुल फाइन ग्रास होती है वैसा लगे। अब देखिए इसको, और ये जो मिल है, अब ये रोलर जो चल रहा है इससे और खींच रहा है, ये देखिए कितना ईजीली खींच रहा है बंदा। और देखिए अब इसको जैसे अपन उस रोल में भर देते हैं वैसे इसको ये एक वो पूरा फिल कर रहे हैं, कितने ईजीली ये पूरा उसका रोल बन रहा है, जैसे अपना धागे का रोल होता है वैसा वाला रोल होता है। अभी देखिए पूरा फिल हो रहा है बढ़िया तरीके से। अभी देखिए इसके ऐसे छोटे छोटे इन्होंने रोल बना लिए, ऐसे धागे के रोल होते हैं वैसे इन्होंने बना के रख लिए। अब क्या करेंगे, जैसे अपन स्ट्रेचिंग करते हैं या स्विंग होती है कपड़े सीते हैं, उस तरीके से ये मशीन है। देखिए कितने थोड़े डिस्टेंस पे ये क्या स्विंग कर रही है, मतलब पूरा ये एक तरीके से जैसे मशीन चलती है वैसे ये बना रही है पूरी शीट अकॉर्डिंग टू, यानी जो उसका साइज़ चाहिए। ये देखिए अब ग्रास का पूरा टेक्सचर आ चुका है, अब देखिए प्रॉपर लग रही है ग्रास है। अभी देखिए अब इसने पलटा दिया इसको, अब इसका बैक एंड भी बहुत ज़रूरी है, जो बैक का जो होता है बैक पे थोड़े क्लोथिंग का भी वो यूज़ करते हैं, और ये मिक्सचर होता है ये जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर का और नॉर्मल जो फाइबर्स होते हैं उसका। तो अब देखिए ये पूरा टेक्सचर आ गया इसका, कितना सही भी दिख रहा है। और जैसे ग्राउंड में चाहिए होता तो थोड़ा वो पानी सोख लिया उसके लिए, देखिए ये भी यूज़ करते हैं। अब देखिए ये पूरा टेक्सचर आ गया, देखिए ग्रास का टेक्सचर है ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ओरिजिनल ग्रास भी फेल लग रही है, इतनी ग्रीन है। अब देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही है, वो शीट निकले जा रही है, मतलब जितना एरिया में चाहिए था, और ये जो ये क्या है बाकी इंस्पेक्शन से करे जा रहा है। देखिए जहाँ जहाँ इसको इशू लग रहा है वहाँ पे ये करे जा रहा है मैनुअली जो इंस्पेक्शन होता है। देखिए पूरा इसने कर लिया, इतनी देखिए बड़ी बड़ी थ्रेड्स होती है, ये पूरे लंबे लंबे से फुटबॉल के ग्राउंड्स होते हैं वैसे बन रही है पूरी, और एक्चुअली फुटबॉल के ग्राउंड्स ऐसे ही बनते हैं। अब देखिए इसको ये जो बैग था उसको पूरा ग्लू कर रहे हैं, इसे जो ग्रास थी तो ऊपर का और नीचे का पूरा ग्लू कर रहा है, उसको टेम्परेचर पे भी रखा जा रहा है ताकि वो जो एक्सेस जो उसमें पानी है या कुछ भी रिटेंशन है वाटर का वो ख़त्म हो जाए। अब देखिए इस पूरा चेक कर रहे हैं कि ये प्रॉपर हुई है कि नहीं, ये देखिए पूरा प्रॉपर चेक कर रहे हैं इसको, ये देखिए पूरा चेक कर लिया इसको, काटे जा रहे हैं, वो मैनुअली इंस्पेक्शन भी कर रहा है। अब देखिए अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसने काट दिया, अब उसके डिफरेंट साइज़ के अकॉर्डिंग वो पैक भी कर रहे हैं जैसे कस्टमर को नीड है। देखिए अब जहाँ पहुँचाना उसका स्टीकर लगा दिया, मैनुअली चेक कर दिया, अब पूरा जो होल है अंदर तक कर दिया ताकि क्या होता है कि वो रोल भी सही तरीके से, देखिए वहाँ जाना है तो उसके लिए शिफ्ट करना है। अब ये पूरा रोल फॉर्म में, अब देखिए इसकी टेस्टिंग भी हो रही है, मतलब देखिए फुटबॉल ग्राउंड है, अब खींच के देख रहे हैं बिल्कुल कितने इसमें टूट रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब पूरा फाइनल। अब देखिए भारी वेट छोड़ के देख रहे हैं कितने में दब रहा है, कितना डैमेज हो रहा है, देखिए पूरा घुमा रहे हैं उसको। तो ये टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। अभी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, पूरे देखिए उन्होंने लोड कर रखा है बैक एंड पे, अब ये जितना स्टॉक है उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है, अब देखिए पूरा अंदर रखा हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक जैसे जैसे कस्टमर्स जहाँ जाए वहाँ पे लोड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग और वहाँ पे भेज रहे हैं। देखिए कितना ईजी प्रोसेस है,
अगर आपको पसंद आया ये वीडियो और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक वगैरह फॉलो कीजिए। थैंक यू।